हमने हमारे वीडियोस में अक्सर बोला है कि ऑप्शन बाइंग से पैसा तो कमाया जा सकता है, पर उसके लिए काफी एक्सपर्टीज, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और थॉरो एनालिसिस की जरूरत होती है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक ऐसे डायग्राम के बारे में जो आपको ऑप्शंस के एनालिसिस करने में काफी मदद करेगा। हाय, आई एम ऋषभ शर्मा, दिस इज एस्प्रेसो बूटकैंप। हियर यू विल लर्न स्किल्स दैट विल हेल्प यू टू नेविगेट योर स्टॉक मार्केट जर्नी। हेलो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं व्हाट आर ऑप्शन पे ऑफ डायग्राम्स, व्हाट डू दीज पे ऑफ डायग्राम्स टेल अस एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले समझते हैं कि कॉल ऑप्शन बाइंग काम कैसे करती है। कॉल ऑप्शन बाइंग में एक बायर को एक स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस चूज करनी होती है, वो इसलिए क्योंकि अगर एक्सपायरी के दिन एक अंडरलाइंग स्टॉक उसके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के स्ट्राइक प्राइस से ऊपर होता है तो एक ऑप्शन बायर प्रॉफिट करेगा, और अगर अंडरलाइंग स्टॉक उस स्ट्राइक प्राइस से नीचे होता है तो ऑप्शन बायर लॉस करेगा। चलिए अब पे ऑफ डायग्राम समझते हैं। सबसे पहले हम कॉल ऑप्शन बायर का पे ऑफ डायग्राम समझेंगे। लेट्स से आप निफ्टी का एक 17,000 का कॉल बाय करते हो, तो आपका कॉल पे ऑफ डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। पे ऑफ डायग्राम प्लॉट द एसेट प्राइस ऑन द एक्स एक्सिस एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन द वाई एक्सिस। एज निफ्टी कीप्स राइजिंग अबव 17,000 द बायर कंटिन्यूज टू मेक मनी, और अगर निफ्टी 17,000 के नीचे रह जाता है तो ऑप्शन बायर को अपने पूरे प्रीमियम पेड पर लॉस बेयर करना पड़ता है। नोटिस कीजिए कि कैसे इस चार्ट में आपके प्रॉफिट पर कोई लिमिट नहीं है, पर आपका मैक्सिमम लॉस सिर्फ आपके प्रीमियम तक ही लिमिटेड है। दिस टेबल शोज कि आप तब तक प्रॉफिट नहीं कर पाओगे जब तक निफ्टी स्पॉट 17,100 से ऊपर नहीं चला जाता, और अगर निफ्टी 17,000 के नीचे रह जाता है तो आपको अपना पूरा प्रीमियम एज अ लॉस पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कॉल ऑप्शन राइटर के बारे में। When the spot price is below the strike price of the option sold, the option writer makes the profit. However, the option writer makes money even when the stock price is close to or moving sideways compared to the sold option strike price. Let's take the same example as we did earlier. अगर निफ्टी 17,000 के ऊपर निकलता है तो एक सेलर को लॉस होना शुरू हो जाएगा, और जैसे कि आप पे ऑफ चार्ट में देख सकते हो ऑप्शन राइटर का रिस्क अनलिमिटेड होता है। इसलिए बिगनर्स आर नॉट रिकमेंडेड टू सेल ऑप्शंस, एंड एक्सपीरियंस ट्रेडर इज ऑलवेज अलर्ट व्हाइल डूइंग ऑप्शन सेलिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। टेल अस व्हाट यू थिंक इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.